जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। जैसा कि लास्ट क्लास में भी मैंने आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया था इसके बारे में, कि इसके बारे में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम कोई अगर लोन लेते हैं तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट को एडजस्ट किया जाता है, जो उसका इंटरेस्ट रेट है उसको किस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है, ताकि जब हम किसी भी कंपनी के लिए काम करें या जब हम अपने ही लोन लेने के लिए किसी चीज की सेंक्शन के लिए जाएं तो हमें पता हो कि ये किस तरह से स्केड्यूल बनाया जाता है, ताकि हम उसकी इन डेप्थ एनालिसिस को समझ सकें। तो एक क्वेश्चन जो है वो आप ही की बुक का क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4.20 है। उसका ए पार्ट जो है वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल वो एक्सेल के ऊपर बना देता हूँ, बहुत सिंपल सा रूल है। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी का फार्मूला आना चाहिए, ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए। बाकी जो चीजें हैं वो मैथमेटिकली प्रोसीजर है, ठीक है, तो उस पर हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि तो मैं आपके साथ एक एक्सेल की फाइल शेयर कर लेता हूँ। तो ये स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 4.20 और उसका ए पार्ट है सेटअप एन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, यानी कि प्रिपेयर एन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल फॉर अ $25,000 टू बी रिपेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है जी, एट द एंड ऑफ ईच ईयर है। तो एट द एंड ऑफ द ईच ईयर कौन सी एन्यूटी होती है? ऑर्डिनरी एन्यूटी होती है। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। इंटरेस्ट रेट कितने? 10% है, ठीक है जी। तो इसके लिए हमारा एक टेबल होता है, जो कि जब भी आप किसी भी बैंक के पास जाए या किसी भी फर्म के पास जाए, जब वो आपको स्केड्यूल प्रोवाइड करते हैं तो स्केड्यूल में होता क्या है। तो यहाँ पर एक तो हमें पता चल गया बिगनिंग बैलेंस कितना है, यानी कि बिगनिंग बैलेंस का मतलब है कि हमने कितना लोन लिया है, डेटा रिट्रीव कर रहे, वो है 25,000, ठीक है। नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं हमारे पास? वो है 5। आई हमारे पास कितना है जी? 10%, ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं इसके ऊपर स्केड्यूल बनाने के लिए। स्केड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर मैं 25,000 का लोन लेने जाता हूँ तो सबसे पहले मैं बैंक से ये पूछूंगा कि मुझे 5% 5 सालों के लिए ₹25,000 का लोन चाहिए। तो मेरा उनसे जो पहला क्वेश्चन होगा कि मुझे ये बताएं कि मुझे मंथली जो ईएमआई है, ठीक है, मुझे कितनी पे करनी पड़ेगी, ठीक है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी पड़ेगी। पहला सवाल ये होता है कि जी मुझे बताएं मुझे कितना पैसा पे। तो उसके लिए आप सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी का फार्मूला लगाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी का फार्मूला लगाकर बेटा सबसे पहले तो आप इसकी पेमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी का फार्मूला यूज करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी का फार्मूला मैं आपको जैसे पहले लिखवा चुका हुआ हूँ, उस पूरे फार्मूले के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, ये जो बिगिनिंग बैलेंस है जिसे मैंने लोन अमाउंट लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी गिवन है आपको, ठीक है। बाकी पूरे फार्मूले के अंदर सिर्फ पीएमटी जो है वो आपको अननोन होगा, उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सेल यूज कर रहा हूँ। तो मैं तो यहाँ पर पीएमटी का फार्मूला लगा के डायरेक्टली इसी को यूज कर सकता हूँ। कॉमा लगाऊंगा, नंबर ऑफ ईयर सेलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा और इसको सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है जी। तो मेरे पास तो इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। आप उस मैथमेटिकली उस फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा आपके पास भी, ठीक हो गया। तो ये सबसे पहला है, जब भी अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल निकालना है आपने तो
तो सबसे पहले तो आपने पेमेंट निकालनी है कि उसकी पेमेंट है कितनी। अच्छा, मोर इजीली यहाँ पर उसने जैसे माइनस का साइन दे दिया है, तो यहाँ पर आप इसके साथ वैसे माइनस लगा दें, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं ना, प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट कर रहे हैं, तो उसे पॉजिटिव आंसर दे देगा। अब ये आपके पास पेमेंट आ गई कि आपको इतना मंथली पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्केड्यूल बनाना है तो सबसे पहले आप लिखें बिगनिंग बैलेंस कितने से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बिगनिंग बैलेंस से पहले लिख लेते हैं ईयर्स बिगनिंग बैलेंस। ठीक है, फिर हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट हमने कितना हर साल पे किया। ठीक है, फिर हमारी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितनी, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी डिडक्ट हो गई है। इसके बाद सॉरी, चलिए यहाँ पर हम ऐसा करते हैं ना, एक और दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि माइनस किस में से करना है। पेमेंट जो आपने निकाली है कितनी, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मेरा बिगनिंग बैलेंस कितना है, इंटरेस्ट कितना है, और मेरी कितनी पेमेंट। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है जी, फिर आ जाएगा एंडिंग बैलेंस। अच्छा, रिकॉर्ड चलें जी, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा 5 ईयर हो गया। लोन पहले ईयर कितने का हमने लिया, 25,000। अच्छा सॉरी, ये यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। एक हर साल क्योंकि पेमेंट इक्वल रहेगी, कि हर साल पेमेंट इक्वल रहेगी, मैं इसे एज इट इज मैंने उसे ड्रैग कर दिया। पहले साल मैंने 25,000, तो मुझे इंटरेस्ट 25,000 लिया है पहले साल, तो मुझे इंटरेस्ट भी कितने पे देना पड़ेगा, 25,000 पे। तो 25,000 और इंटरेस्ट कितना है मेरे पास, 10%, 0.1, ये इंटरेस्ट आ गया 2,500। अब इसमें से मैंने टोटल पेमेंट कितनी की है बेटा, मैंने टोटल पेमेंट आपको की है हर साल जो मैं पेमेंट सॉरी वो 6,594 रुपीज कर रहा हूँ, उसमें से 2,500 रुपया तो इंटरेस्ट है, बाकी क्या प्रिंसिपल अमाउंट है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट चले गई। अब एंडिंग बैलेंस का मतलब क्या है कि जी, एंडिंग बैलेंस का मतलब आपके पास ये होता है कि आप अब तक कितने पैसे दे चुके हुए हैं। बैंक का कोई कंसर्न नहीं होता किससे कि आपने उसका इंटरेस्ट कितना दिया है, बैंक का कंसर्न होता है सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट से। 25,000 रुपए में से माइनस कर दिया मैंने रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, ये आ गया। इससे यहाँ पर ये अगले साल मेरा बैलेंस ये है, ठीक हो गया। अब ये देखिएगा, अब मुझे इंटरेस्ट देना है किस अमाउंट पे, इस अमाउंट पे कितना देना है, 0.1% देना है। फिर मुझे रीपेमेंट कितनी देनी है मुझे जी, रीपेमेंट टोटल ये पेमेंट की, उसमें से मैंने 2,090 रुपये ये बैलेंस दे दिया, तो ये फिर वही वाली बात हो जाएगी कि मेरे पास टोटल मैंने अब उनके पैसे कितने देने हैं। ठीक है जी, तो मैंने टोटल पैसे कितने देने थे उसकी रीपेमेंट की वजह से, ये टोटल पैसे रीपेमेंट ये कर दी, तो इसका मतलब ये है कि इसका सम होकर हमारा एंडिंग बैलेंस जो आ जाएगा वो दिस माइनस दिस आ जाएगा। ठीक हो गया जी, इसी तरह हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक बता, इसी तरह अब मैं तो क्लिक कर दूंगा इसे, तो वो उसे कैरी ऑन कर देगा। नहीं, कैरी ऑन नहीं कर रहा क्योंकि ये बैलेंस यहाँ से कैरी जा रहा है। ओके चले जी, फिर ये वाला बैलेंस जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, ये अब कैलकुलेट हो गया, जब यहाँ पर आएगा तो इस पर ये भी देखें, मैं इसे
ऐसे भी ड्रैग करेंगे ना आप, ये देखिए ये आ गया, ये आप इसे ऐसे ड्रैग कर दें, ये देखिए ये एंड पे जीरो आ गया। इस जीरो का मतलब ये है कि आपने 25,000 का लोन लिया और 5 सालों के लिए लिया, 10% के ऊपर, ये आखिरी साल के ऊपर जाकर जीरो हो गया। ये इसको कॉलम को मैं दे देता हूँ नंबर वन, ठीक है। पेमेंट जो है स्पेस वन, ये कॉलम नंबर वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव। अब मैं आपको यहाँ पर एक और कॉलम बनाकर ये देखिएगा, ताकि आपको भूले ना, ये वन वन वैसे आ जाएगा, टू जो है कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, कैलकुलेटेड यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, ठीक है जी। ये कहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है मैंने, अब ये तीसरा जो है, तीसरा कैसे आता है, तीसरा आता है कॉलम वन को मल्टीप्लाई करने से इंटरेस्ट रेट से, ठीक है जी। होप सो ये अब याद रह जाएगा आपको, क्या मुसीबत है इसे। कॉलम नंबर थ्री कैसे आया आपके पास, वन कॉलम को, ये वाला वन कॉलम जैसे मैंने ये लिखा है वन, बिगनिंग बैलेंस को, यानी कि चलो मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख देता हूँ बिगनिंग बैलेंस को मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप इंटरेस्ट रेट के साथ। रीपेमेंट कैसे आता है, रीपेमेंट आता है जब आप पेमेंट से, यानी कि कॉलम नंबर टू से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट, ठीक है जी। और एंडिंग बैलेंस आपके पास कैसे आता है, जब आप बिगिनिंग बैलेंस से माइनस कर देते हैं रीपेमेंट, ठीक है जी। क्योंकि वो मैंने पहले कॉलम नंबर वन टू आपको इस तरह से समझाने की कोशिश की थी, तो अब ये जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये कहते हैं, इसे कहते हैं स्केड्यूल बनाना। तो इस स्केड्यूल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक आपने पेमेंट कैलकुलेट करनी है यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, ठीक हो गया जी। तो ठीक है जी, ये आपका हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कॉमन स्टॉक के ऊपर, यानी कि स्टॉक वैल्यूएशन के ऊपर।